आटे की कीमत बढ़ने से आमजन पहले परेशान था, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद आटे की कीमत कुछ कंट्रोल में आई। लेकिन अब कपास ने चिंता बढ़ा दी है। हालात नहीं सुधरे तो इस नए साल में कपड़े की कीमत भी बढ़ सकती है। दरअसल पंजाब में कपास उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों से पंजाब में कपास की अच्छी पैदावार हो रही थी। बंपर पैदावार होने से किसान भी खुश थे। राज्य सरकार के सामने भी कपास भंडारण का संकट नहीं था, लेकिन इस साल पंजाब की सरकार और किसान दोनों के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल कपास की उत्पादकता में 45% की कमी दर्ज की गई है। पंजाब कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष राज्य की औसत उत्पादकता 363 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर यानी 147 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर है। वहीं कच्चे कपास की उत्पादकता 1089 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 441 किलोग्राम प्रति एकड़ है। विशेषज्ञों का कहना है कि लिंट सफेद फाइबर होता है। यह कच्चे कपास की ओटाई से मिलता है। ओटाई करने में प्रत्येक 100 किलोग्राम कपास से लगभग 35 किलोग्राम लिंट और करीब 65 किलो बीज मिल जाता है। जानकारों का कहना है कि इस साल कपास को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा कारण कीट रहे हैं। गुलाबी बॉल वर्म और अन्य कीटों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसको लेकर हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सीनियर अधिकारियों से एक बैठक भी की। बैठक में तय हुआ कि कीड़ों के नुकसान से बचाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए, कीटों से कैसे फसल को बचाया जा सकता है ये भी किसानों को बताया जाए, पिंक बॉल वर्म की नियमित निगरानी और उनके प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएं ताकि किसानों को कीटों से बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। दरअसल मौजूदा समय में कच्चे कपास की कीमत 8500 रुपए से 9600 रुपए के बीच बनी हुई है। यह कीमत कपास की MSP से काफी अधिक है, लेकिन किसान अभी फसल को नहीं बेच रहे। उन्हें उम्मीद है कि 14 जनवरी को लोहड़ी त्योहार के बाद कपास के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जनवरी फरवरी 2022 में कपास की कीमत 14000 रुपए प्रति क्विंटल तक थी। किसान इस साल लोहड़ी के बाद 10000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक के दामों पर बेचने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।